15,000 रुपये से ऊपर वेतन पाने वाले कर्मचारी जिन्हें स्वैच्छिक रूप से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में उनके नियोक्ताओं के अनिवार्य अंशदान के अतिरिक्त स्वैच्छिक रूप से अंशदान करने की अनुमति नहीं है, जो प्रश्न है उनका। लेकिन यह देखा जा रहा है कि आज के महंगाई के जमाने में दोनों में कोई भी श्रमिक जो छोटी सी भी कार्य करते हैं उन्हें कम से कम 15,000 रुपया या उससे ऊपर मिलता है, परंतु 15,000 रुपया से ऊपर वाले कर्मचारी को अनिवार्य अंशदान की अनुमति नहीं है। ऐसे कहें कि 15,000 से ऊपर वाले श्रमिक इस योजना के सदस्य ही नहीं बन सकते। इस योजना में शामिल होने के लिए अभी तक किसी भी संगठन या कार्यालय में 20 श्रमिक का रहना आवश्यक है। बहुत बार ऐसी समाचार आई है कि सरकार इसकी संख्या को कम करने 10 करने जा रही है। मेरा पहला प्रश्न है कि क्या सरकार का विचार 15,000 रुपये से ऊपर वेतन पाने वाले श्रमिक को इस योजना के दायरे में लाने का है, एवं इस सीलिंग को कब तक हटाया जाएगा, तथा सरकार का विचार किसी भी कार्यालय में 20 श्रमिक की संख्या के बंधन को घटाकर 10 श्रमिक करने का है, ताकि छोटे से छोटे जगहों पर कार्य करने वाले श्रमिक भी इस योजना के तहत लाभ ले सकेंगे, तथा श्रमिक संगठन के लगातार मांग के अनुरूप श्रमिक को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 3,000 करने का, जिससे कि अधिक से अधिक श्रमिकों को इस योजना के तहत अधिक लाभ मिल सके। मेरा पहला प्रश्न। स्पीकर मैडम, ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट एम्प्लॉय जो है पेंशन स्कीम जो है, ये पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। इस कंट्रीब्यूटरी में आपने जैसे कहा एम्प्लॉयर का जो शेयर है, एम्प्लॉयर का शेयर है 8.33% होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का 1.16 जो है इसमें शेयर होता है। तो इससे मिलकर जो है एक कंट्रीब्यूटरी फंड बना है। लेकिन उनका प्रमुख क्वेश्चन है कि 15,000 के रुपए अंदर ही जो है इन लोगों के लिए इस एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को हमने लागू किया, क्या इसको बढ़ाएंगे, ऐसा उनका पूछना है। हम लोग इसको वी आर वेरी एक्टिवली कंसिडरिंग दिस एनहांसमेंट ऑफ दिस 15,000 रुपीज ऑल्सो, एंड वी आर प्रिपेयरिंग सम गाइडलाइंस, वी आर फ्रेमिंग द सम स्कीम, एंड अकॉर्डिंगली when it comes to the picture, then I will give all the details to the honorable member. And also in EPF, I wanted to inform this honorable house also, we are going to amend the EPF Act now, which is available under the 20 and above. If amended the act comes, then the coverage will be increased, it will be up to 10. So that's why large number of workers, including another workers, they can also come under this purview of this act. जब से दिल्ली में नई सरकार आई, वापस इन शब्दों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, और आज क्योंकि तमाम राज्यों के अंदर यही चार शब्द जो कि जाति सूचक शब्द है, आपराधिक शब्द है, उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ये संशोधन भी लाए।